यहाँ से ग्राफ से देख लो, यहाँ पर देखो ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या हो रही है, ठीक है, गिर रही है, गिर रही है, देखो ये आपके एक्स एक्सिस को क्रॉस कर दे, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी ध्यान दो, स्टार्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गई है, फिर क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो गई है, ठीक है। और ध्यान दो जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टेटिटी के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपको दिख रहा है ना कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लेस देन जीरो है, और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे क्या है, गिर तो रही लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव है, और जैसे ही एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है तो वो क्या हो जाती है, आपकी निगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे रिलेशन है, यहाँ पे देख सकते हो कि एमयू क्या होता है, जीरो होता है जब आपका टीयू क्या होता है, मैक्सिमम। एमयू लेस देन जीरो जब टीयू क्या करता है, गिरना शुरू करता है। एमयू क्या होता है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी, जीरो भी। और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या करती है, फॉल करती है। यहाँ पे देख सकते हो आप डायग्राम में ये क्या भी